Very good morning to all of you. Most welcome to India's largest learning platform Unacademy and Wi-Fi study UPSC. So, आप सभी लोगों का स्वागत है. एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए. करंट अफेयर्स का ये एडिशन जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और टिल इंटरव्यू तक काफी हेल्पफुल रहने वाला है. यहाँ पर PIB, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है उनका होलिस्टिक कवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो एक बार सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग यहाँ पर बेनिफिट ले सके. सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर है, सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं. एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का जो यहाँ पर पता लग सके. सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सभी को मेरी आवाज यहाँ पर आ रही है? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन. रितिका टंडन, वेरी गुड मॉर्निंग. शर्मिला, वेरी गुड मॉर्निंग. और भी सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से ताकि सब लोग इसका बेनिफिट यहाँ पर ले सके. सो सबसे पहले आपका अनअकैडमी की लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत. यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी जो प्लस और आइकॉनिक पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वहां से भी आप काफी सारा बेनिफिट ले सकते हैं. इसके लिए मेरा रेफरल कोड AKJ10 आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. साथ में यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से प्रिपरेशन को समय समय पर एनालाइज कर सकते हैं. जिस भी कैटेगरी का आप एक्सेस लेते हैं वहां की आप सारे के सारे एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस देख सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को और भी आसान बना सकते हैं. इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर मेरी दो क्लासेस शाम को 7 बजे, जो लोग UPSC या स्टेट BCS के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर MCQ सेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा. शाम को 8:45 PM पर आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नीति आयोग, जहां पर पॉलिटिक्स पर डिस्कशन करते हैं. नीति आयोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को प्रेजेंट किए जाएंगे ताकि आप वहां से भी सारी की सारी चीज सीख सके. तो नीति आयोग के MCQs आपको 8:45 PM पर देखने को मिलेंगे. यहाँ पर मेरी प्रोफाइल अभिषेक कुमार जैन के नाम से, जैसे प्रोफाइल को आप फॉलो करोगे सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर आप ले सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. दोनों क्लासेस शाम को आप अटेंड कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पर काफी सारे अलग अलग कोर्सेज काफी अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा देखने को मिलेंगे. प्लस और आइकोनिक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया. अनअकैडमी कॉम्बैट कॉम्पिटिशन 14 फरवरी को सुबह 11 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगा. 60 मिनट में 60 क्वेश्चन होंगे. फर्स्ट टॉप 10 रैंक को 1 महीने का GS सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री मिलेगा. तो ये सारे की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी. आई थिंक सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं. सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी सेशन को शेयर कर दीजिए. यहाँ पर मीनाक्षी, निशा, बिजंती, वेरी गुड मॉर्निंग. तो आप सभी लोगों का स्वागत है. आज का टॉपिक नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि तेरी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला इवेंट है. तो इसके बारे में देखते हैं. आज 10 फरवरी का दिन काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आयोजित की जाएगी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, जिसका इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं. एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके. तो सबसे पहले आज की न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को लेकर. इसके बारे में आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2021 की सस्टेनेबल समिट का इनॉग्रेशन करेंगे. इस साल की समिट की जो थीम है वो क्या है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल. ठीक है, आपका जो एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पर थीम रखी गई है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ये समिट आयोजित की जाती है. ठीक है, भारत की ये समिट है और आपको बताऊंगा इस समिट का आयोजन किया जाता है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको तेरी के नाम से जाना जाता है, वो बेसिकली इस समिट को आयोजित करता है. ये समिट का 20वां एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा. ये समिट 10 फरवरी से स्टार्ट होगी और 12 फरवरी तक ये समिट आप लोगों को देखने को मिलेगी. 3 दिनों की समिट है. काफी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो क्या क्या चीजें इस समिट के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है. निशा गोयल, वेरी गुड मॉर्निंग. तो पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये समिट आपकी जो 2021 की समिट है उसकी विषय वस्तु या उसकी थीम आपको देखने को मिलेगी सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल. ठीक है, पहली थीम. दूसरी चीज, ये जो एडिशन है ये 20वां एडिशन होगा इस समिट का. इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तेरी के द्वारा. इसको हर साल आयोजित करवाया जाता है. ये आपका 3 दिन की समिट होगी, 10 फरवरी से 12 फरवरी तक. इस समिट के अंदर किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, किस प्रकार से SDG 2030 गोल्स के लिए भारत काम कर रहा है, उन सभी पर विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा. तो कल इसके सारे के सारे आउटकम्स भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा कि समिट के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है और आगामी दिनों में क्या क्या डिस्कशन होने वाला होगा. इस समिट के अंदर काफी सारे इंटरनेशनल गेस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, गेना को
लेकर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपके पापुआ न्यू गिनी को लेकर, आपके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से, मालदीव्स हो गया, ठीक है, आपका मजलिस आइलैंड हो गया, तो बहुत सारे लोग बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आइलैंड के डेवलपमेंट को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। तो इतनी सी न्यूज आपको वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में कम से कम ध्यान रखनी है, इससे अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। थीम को लेकर कौन सा संस्करण है, कौन आयोजित करवाता है और इसका उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनकरेज करना, इसीलिए छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज का पार्टिसिपेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखोगे कितना खूबसूरत वर्ल्ड की डिजाइन यहाँ पर बनाई गई है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए लिखा हुआ है 20th, ये सबमिट है 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द न्यूज नंबर टू, ये रिलेटेड है आपकी, मैंने आपको बताया था कोविड नेटवर्क को लेकर और आपका आरोग्य सेतु को लेकर, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित, ये आरोग्य सेतु की आपको टैगलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आरोग्य सेतु और कोविन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मर्ज करने का मतलब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आरोग्य सेतु ऐप पर भी सारी की सारी वैक्सीनेशन को लेकर जो डिटेल्स है वो अवेलेबल होगी। आरोग्य सेतु आप लोगों को जो कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए, आप लोगों को समय समय पर सारी की सारी अलर्ट्स भेजने के लिए जो आपका एप्लीकेशन है, तो अब आरोग्य सेतु को किससे लिंक कर दिया गया है, कोविन डेटाबेस से लिंक कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, इंडिया का जो कोविड-19 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु था, अब वो कोविन डेटाबेस से इंटीग्रेट हो गया है, मतलब वैक्सीनेशन का सारा डेटा अब आरोग्य सेतु पर भी आप लोग देख सकते हैं। कोविन में 3 सबसेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते थे, वैक्सीन के बारे में दी जाने वाली जानकारी, वैक्सीन जिन्होंने लगा ली उनको सर्टिफिकेट मिलेगा वैक्सीनेशन का, और वैक्सीनेशन को लेकर सारा का सारा डैशबोर्ड, सारा का सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता है। यस डेफिनेटली यहाँ पर वर्चुअल है सारा का सारा पार्ट, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे, यूजर्स कैन नाउ एक्सेस द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन ड्राइव, तो उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आरोग्य सेतु के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो इवेंट है, ठीक है, ये भारत के अंदर तो यहाँ पर ऑफलाइन भी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है, बट इंटरनेशनल गेस्ट बेसिकली ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो धीरे धीरे सारी की सारी सबमिट्स अब वापस से अपने रिदम पर आने वाली है, और जो भी इसका होगा वो नेक्स्ट कल एक दो दिन के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाएगी, जो भी डिस्कशन होगा या जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट या कुछ भी साइन होता है इस चीज को लेकर, वो आप लोगों को कल परसों तक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 10 से 12 फरवरी आज ये स्टार्ट होगी, 10 से 12 फरवरी पे, तो उसको सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर मैंने बता दिया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों से क्वेश्चन है, देखो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देखोगे, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से ये डेटा आप लोगों के लिए लिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है, यहाँ पर लिखा है देयर आर 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। आपसे पूछा गया कि क्या आप इस चीज को जानते हैं कि भारत के अंदर 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है और 52 आपकी स्टेट पार्टीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे आप ये बताइए कि भारत के अंदर 52 तो नहीं पूछ रहा, कम से कम आपको 8 नेशनल पार्टीज के नाम पता होने चाहिए कि भारत के अंदर वो कौन कौन सी पार्टीज है जिनको हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो एक बार कमेंट करके फटाफट से सभी लोग बता दीजिए, 8 की 8 पार्टी का नाम आपको बताना है। ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए जाएंगे। ट्राई कीजिए सभी लोग बताने का, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कम से कम मैंने आप लोगों के यहाँ पर क्रिएट कर दिया है 1, 2, 3, 4, आप बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा। अगर आप लोग कोई मिस करते हैं तो मैं वहां पर एडिशन आप लोगों को कर दूंगा। ट्राई कीजिए फटाफट से बताने का, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये लिया गया है, ट्राई कीजिए। यस बेसिकली पहले बोला कांग्रेस और बीजेपी, आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। राजपूत विकास ने बताया कांग्रेस हो गया आपका, बीजेपी हो गया आपका, चलिए दो नाम तो आ चुके हैं, 8 नाम मुझे चाहिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। सब लोग ट्राई करेंगे, सोचिए, केवल आपको 8 नेशनल पार्टीज के बारे में बताना है, 52 तो आपसे नहीं पूछ रहा स्टेट पार्टीज, तो ठीक है ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मीनाक्षी ने बोला बीजेपी का नाम ऑलरेडी आ चुका है, कांग्रेस का पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, यस। दिनेश यादव ने दो नाम बोले हैं, सीपीआई और सीपीएम, बेस्ट, यस बिल्कुल आपने बोला है सीपीआई और सीपीआई मार्क्सिस्ट, यस दो नाम और आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आप नहीं है नेशनल पार्टी, आपका नाम हटा दीजिए, ठीक है। कांग्रेस, बीजेपी, यस बसपा आ चुका है, ठीक है, मतलब आपकी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी बीएसपी, आपकी बहुजन समाज पार्टी, 5वां नाम मेरे पास आ चुका है, अभी भी 3 नाम मुझे चाहिए, ठीक है। आमीन ने बताया आईएनसी आ गया,
बीजेपी आ गया, बीएसपी आ गया, यस एक और नया नाम आया है आपका एनसीपी, ठीक है, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, यस एनसीपी नया नाम आया है, ठीक है, सीपीआई पहले आ चुका है, एक और नया नाम आया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, चलिए तृणमूल कांग्रेस हो गया आप लोगों का, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ये नाम भी मेरे पास आ चुका है, अभी एक नाम बचा हुआ है, ठीक है, एक नाम बचा हुआ है, ठीक है, एक नाम बाकी है, सब लोग फटाफट से बताएंगे, कांग्रेस आ चुका, बीजेपी आ चुका, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट वाली है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और एक आपका तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, एक नाम बचा हुआ है, ठीक है, बताएंगे कौन सा वो नाम है, ठीक है, एक नाम बचा हुआ है, अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, एनपीपी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, जो पीए संगमा वाली पार्टी थी, ठीक है, मणिपुर को लेकर, तो नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, ये आपकी 8 पार्टीज है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज है। अब एक छोटा सा आप लोगों का होमवर्क है, घर जाकर आपको 2 क्राइटेरिया रीड करने हैं, वो यहाँ पर करंट अफेयर के सेशन में तो नहीं करवा सकता, बट मैंने अनअकैडमी वाले सेशन में जरूर करवाए हुए हैं, स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये मैंने बहुत सिंपली ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें लर्न करवाई थी, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो। घर जाकर मैंने आपको 8 पार्टीज के नाम बता दिए, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एम का मतलब मार्क्सिस्ट है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आपकी, और बेसिकली एनपीपी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी। ओके चलिए, यस डेफिनेटली राजपूत विकास ने सही आंसर दिया। तो अब आपको घर जाकर ये देख लेना है कि क्राइटेरिया कौन से हैं, तो ताकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड से मैंने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट को लेकर कुछ चीजें थी, उसमें से आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, काफी सारी चीजें थी, एक डिजिटल पेमेंट्स को लेकर काफी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, बजट 2021 ने बेसिकली ये डेटा दिया है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हुए हैं हमारे, ठीक है, उसमें कितने प्रतिशत तक ग्रोथ आपको देखने को मिली है, तो आप देखोगे डिजिटल ट्रांजेक्शन का बढ़ता हुआ एक ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2016-17 से 2020-21 का जो डेटा लिया गया तो उसमें बढ़ता हुआ ट्रांजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटल पेमेंट ग्रोथ को लेकर, तो उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है कि कितने प्रतिशत तक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, तो अभी तो 2020-21 का तो आपका एस्टिमेशन इन्होंने दिया है, लेकिन आप देखो खुद देखो, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिछले 5 सालों के अंदर डिजिटल पेमेंट ग्रोथ बढ़ी है या घटी है, तो आप देखोगे 2016-17 से लगातार ये पहले 1004 करोड़ ट्रांजेक्शन थे, अभी 2071 करोड़ ट्रांजेक्शन है, 3134 करोड़ ट्रांजेक्शन 18-19 में, और 19-20 में 4572 करोड़ ट्रांजेक्शन, तो डिजिटल पेमेंट्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है, और फोटो भी आप लोग देखो, फोटो बनाया गया है भीम का, ठीक है, भीम मतलब आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी जो डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आज आप देखोगे कितना सारा पेमेंट आप भीम से, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, कितने सारे एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तीनों का कोलोब्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिजिटल इंडिया, और एनपीसीआई काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका ये भीम एप्लीकेशन है, या रुपए डेबिट कार्ड भी इसी का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बने तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो कि पिछले 2016-17 से आपको लगातार इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा डिजिटल पेमेंट ग्रोथ को लेकर पिछले 5 सालों के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, यूनियन बजट 2021 के 6 पिलर्स पर फोकस किया गया है, तो अगर आपको इसको लिखना हो, ठीक है, या आपको अपने आंसर्स में यूज करना हो कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किन किन पिलर्स पर गवर्नमेंट आगामी आने वाले वर्ष 2021 के अंदर फोकस करने वाली है, तो ये स्लाइड मुझे मिली थी, काफी अच्छी है, आत्मनिर्भर भारत का बजट नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस हेल्थ एंड वेलबींग पर है, आपको पता है हेल्थ सेक्टर में 137% हमारे बजट का इंक्रीज देखा गया है, ठीक है, दूसरा हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल को लेकर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वापस इनका लक्ष्य रहेगा, समावेशी विकास किसके लिए, महत्वाकांक्षी भारत के लिए, तो थर्ड पिलर है आपका महत्वाकांक्षी भारत का समावेशी विकास, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को वापस से पुनर्जीवित करना, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल हमारा सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ी संपत्ति है, इनोवेशन एंड आरएनडी नवाचारों पर, रिसर्च पर लगातार फोकस रहेगा, और ये पुराना है इनका, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, सरकार कम से कम होगी और सुशासन ज्यादा से ज्यादा होगा, गवर्नेंस सबसे ज्यादा होगी, तो ये आपके नोट्स के लिए मैंने स्लाइड्स मुझे मिली, कुछ नया नहीं है, सभी चीजें वही है, बट हाँ आप यूज कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए या अपने आंसर्स के अंदर,
यूनियन बजट को आप इन छह पार्ट्स के अंदर, छह पिलर्स के अंदर किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन छह पिलर्स पर गवर्नमेंट आने वाले वर्ष 2021 में फोकस करने वाली है। तो सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भीम स्टार्ट किया है। यस डेफिनेटली, काफी सारे बैंक्स के माध्यम से इंटीग्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो भीम एक्चुअल है आपका, ठीक है, जो भी एक्चुअल स्टार्ट हुआ है वो आपका है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप लोग ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा यूपीआई बेस्ड आ चुका है, ठीक है। यूपीआई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप लोगों को ध्यान हो, जो हमारी शाम को 7 बजे वाली प्रीलिम्स वाली सीरीज चल रही है, वहां पर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जो यूपीएससी ने पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था कि यूपीआई पेमेंट आने से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो उसका आंसर था कि यूपीआई पेमेंट आने से हमें हमें वॉलेट के अंदर पैसे नहीं रखने पड़ेंगे, पेमेंट पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे स्टोर नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको वॉलेट से छुटकारा मिलेगा, आप डायरेक्टली यूपीआई के माध्यम से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूपीआई से डायरेक्टली अपने अकाउंट से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आपको पेमेंट करना है, आप कुछ सब्जी खरीद रहे हैं, तो अब आपको पहले वॉलेट में डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूपीआई से डायरेक्टली आपके अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यूपीआई का एडवांटेजेस आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, और जितनी भी नई चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है उससे इंटीग्रेट होइए। आरोग्य सेतु डाउनलोड करके देखिए उसको, चलो आपके मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, डाउनलोड करके उसके फीचर्स तो देखिए कि आरोग्य सेतु के अंदर क्या क्या था, ताकि आपको एक जानकारी मिलेगी, वहां से कभी कोई प्रश्न आएगा तो इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, इसीलिए आपको करंट के एग्जांपल से जोड़ता हूं ताकि आप चीजें जल्दी सीख पाए। चलिए नेक्स्ट चीज, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स को लेकर अपन पहले भी बात कर चुके हैं। स्वामित्व स्कीम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो रूरल इंडिया है वहां पर उनके जो संपत्ति धारक है उन लोगों के पास संपत्ति कार्ड नहीं होता, मकानों का पट्टा नहीं होता, प्रॉपर्टीज का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। तो ये जो स्वामित्व स्कीम है सभी राज्यों को कवर करेगी, सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी विलेजेस हैं वहां पर उनके लोगों को उनकी संपत्ति का स्वामी बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। प्रॉपर्टी कार्ड इस स्कीम के माध्यम से इश्यू किए जाएंगे ताकि गाँव का व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी बन सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी आपके फंड्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सेक्शन लूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यस डिसइन्वेस्टमेंट से। आज का पहला आर्टिकल मैं स्टार्ट करूंगा विनिवेश से, डिसइन्वेस्टमेंट से, जो द हिंदू का आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है और ये चीज को गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक है। पिछले साल के बजट में भी गवर्नमेंट का काफी बड़ा टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आमीन ने बिल्कुल सही बोला कि भारत प्रमोट कर रहा है लेस कैश इकोनॉमी को, ध्यान रखना ये एक दो चीजों में फर्क है। एक तो चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, देखो दो चीजों में फर्क है, एक लेस कैश इकोनॉमी है और एक है कैशलेस इकोनॉमी, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। जब यूज करो तो कॉशियसली यूज कीजिएगा। कैशलेस इकोनॉमी, भारत किसकी तरफ जा रहा है, कैशलेस की तरफ नहीं जा रहा, भारत कभी कैशलेस पर जा भी नहीं सकता। भारत को हमारी अर्थव्यवस्था से कम नगदी आधारित अर्थव्यवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं कम नगदी आधारित अर्थव्यवस्था, पूरी तरह से हम नगदी को खत्म नहीं कर सकते बट बेसिकली कैश को हम अपनी इकोनॉमी से कम कर सकते हैं। तो भारत के लिए वर्ड यूज करो जल्दीबाजी में बंद कर देते हैं कैशलेस इकोनॉमी, वो भारत का टारगेट ही नहीं है। भारत का टारगेट है लेस कैश इकोनॉमी का, ठीक है। एक योजना भी इस पर आई थी पूरी की पूरी जिसका टाइटल ही यही था लेस कैश इकोनॉमी या इंडिया मूविंग टुवर्ड्स लेस कैश इकोनॉमी, इस कुछ टाइटल से वहां पर योजना देखने को मिली थी। सर भीम एप्पल में सपोर्ट नहीं करता है क्यों, देखो एप्पल में थोड़े से सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर बहुत सारी चीजें होती है, एप्पल में भीम ही नहीं बहुत सारे जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वहां पर वही सपोर्ट करेंगे जो स्पेसिफिकली एप्पल प्ले स्टोर को लेकर या एप्पल के द्वारा जो सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न उनका होता है। तो यस डेफिनेटली एप्पल में काफी सारे एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि सिक्योरिटी थोड़ा एडवांस लेवल पर होने की वजह से वहां पर जो आपके नॉर्मल एप्लीकेशन है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वहां पर सब आप लोगों को परचेज ही करने पड़ेंगे जो प्योरली सिक्योर है, पर ये देखने को मिलेगा, ये दिक्कत होती है कई सारे लोगों को। तो आप दूसरे घर वालों के किसी फोन में स्टोर करके देख सकते हैं, उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओके चलो विनिवेश को लेकर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बात करिए, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग प्लान है 2021-22 के लिए उसके बारे में बात की है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें बोली गई है, ठीक है। द गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान 2021-2022 hinges on better compliance, lifting tax collections
और इनका जो सबसे एम्बिशियस प्लान है टू रेज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आप लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बजट पढ़ाया है, सब लोगों ने बजट देखा होगा मेरा, तो बजट मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि टैक्सेशन वाला रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्सेशन वाला रेवेन्यू क्या होता है। टैक्सेशन का मतलब जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आने वाला रेवेन्यू है। नॉन टैक्सेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जैसे कि कोई सी भी फीस गवर्नमेंट ने लगाई है, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो टैक्सेस के अलावा अदर सोर्सेस से आता है, कोई सेस आपने लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ पर देखो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस किया था, ठीक है, कि यहाँ पर लगभग जो डिसइन्वेस्टमेंट था बैंकिंग और लगभग 1.75 लाख करोड़ का, पिछले साल का जो उनका टारगेट था वो अराउंड 2 लाख करोड़ के ऊपर का था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ भी वापस से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो क्या लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एसेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लैंड को सेल करेगी, एंड इज बैंकिंग ऑन डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स ऑफ 1.75 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट बेसिकली जैसे कि आपका एयर इंडिया को लेकर सेल कर रही है, बीपीसीएल को लेकर सेल कर रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा खर्चा ले रही है, एलआईसी आप सबसे बड़ा देख सकते हो, एलआईसी को लिस्ट किया जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है, तो एलआईसी से काफी सारा मोनेटाइजेशन गवर्नमेंट को जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ठीक है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, या बेसिकली उनको प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखने को मिलेगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का देखने को मिलेगा, ये गवर्नमेंट को लॉन्गर रन में भी और गवर्नमेंट के लिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी जनरेट करेगा, गवर्नमेंट के लिए काफी सारी मनी भी सिस्टम में बूस्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स को गवर्नमेंट बेसिकली फुली तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती हुई देखने को मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को मैंने आप लोगों को बताया था, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई पहले 49% था, उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 64% कर दिया। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल कर रही है, उनका शेयर बेसिकली प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर बेच रही है। तो ये सारी चीजें डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर काफी बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ने 2014 से रख दी थी, जब उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक सेल करना स्टार्ट किया था। अब ये काफी हायर लेवल पर आ चुका है और ये साल तो बेसिकली गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट देगा, इसके माध्यम से जो भी चैलेंजेस वगैरह हैं उनको भी यहाँ से एड्रेस किया जा सकता है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इस आर्टिकल का जो पर्पज है वो है कि गवर्नमेंट ने जो ये रिफॉर्म्स लिए हैं, काफी बोल्ड रिफॉर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा होगा किस तरह से गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि रणनीतिक दृष्टि से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, उसका एग्जीक्यूशन काफी क्रिटिकल रहेगा, ठीक है, किन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर यहाँ पर वो बात करेगा उनको लेकर काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पॉलिसी को लेकर, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। माया शंकर जी ने पूछा सर आईपीओ का मतलब, इनिशियल और 74% यहाँ पर 74% है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है किसी भी एंटिटी को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करना, या अभी तक जिस पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, जैसे कि एलआईसी का 10% हिस्सा आपने मार्केट को सेल कर दिया, या बेसिकली मैं भी शेयर धारक बन सकता हूँ। अभी तक एलआईसी का क्या इन्वेस्टमेंट है मुझे नहीं पता, क्योंकि एलआईसी का मैं शेयर धारक नहीं हूँ, एलआईसी फुली गवर्नमेंट कंट्रोल है। लेकिन जब एलआईसी को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया जाएगा, एलआईसी के शेयर में खरीद सकता हूँ, तो एलआईसी के सारी के सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में, सब कुछ के बारे में मुझे जानकारी होगी, क्योंकि एलआईसी का मैं भी एक हिस्सेदार बन जाऊंगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जब फर्स्ट टाइम बेसिकली किसी भी एंटिटी के शेयर सेल किए जाते हैं तो उनको आईपीओ के नाम से जाना जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द पॉलिसी प्रोमिस्ड एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज स्टेट्स द गवर्नमेंट विल एग्जिट ऑल बिजनेस इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ठीक है, विद ओनली अ बेयर मिनिमम प्रेजेंस इन 4 broad sectors, ठीक है, बहुत कम सेक्टर्स में गवर्नमेंट की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी में गवर्नमेंट की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, स्पेस में देखने को मिलेगी, डिफेंस में देखने को मिलेगी, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम में देखने को मिलेगी, ये आपके स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स माने जाते हैं। अदरवाइज बाकी सेक्टर्स में गवर्नमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करेगी, प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर प्रमोट करेगी। तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपने फुल स्केल से आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पर मिल रही है। डिसइन्वेस्टमेंट एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, जैसे ही आपका गवर्नमेंट की हिस्सेदारी
50% से नीचे रह जाती है वो चीज आपकी प्राइवेटाइज ही मानी जाती है। अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी किसी चीज में 51% है तब तक वो फुली प्राइवेटाइज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर 51% से नीचे चली जाती है तो वो क्या हो जाता है आपका प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि LIC भी प्राइवेटाइज नहीं होगी, कुछ हिस्सा बेसिकली मार्केट के हाथों में आएगा, 5% 10% जितना भी गवर्नमेंट सेल करती है, लेकिन ये एक स्टेप हो गया टुवार्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऐसा बोला जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो बजट के अंदर उन्होंने बात की है, यहाँ पर कुछ ही सेक्टर्स बचेंगे जहां पर गवर्नमेंट की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, अदरवाइज सब जगह बेसिकली प्राइवेटाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों का है, ठीक है, ये ट्रांसफेट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हेल्दी इंडिया को लेकर आर्टिकल है, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हेल्दी इंडिया को लेकर, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यस, इंश्योरेंस 74% है, यस, यहाँ पर 64 नहीं है, 74% है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले 49% था उसको बढ़ाकर अभी 74% कर दिया गया इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जो FDI है, मतलब कितना प्रतिशत यहाँ पर विदेशी भागीदारी हो सकती है, वो 49% से बढ़ाकर 74% यहाँ पर कर दी गई। इधर प्राइवेट करने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, प्राइवेट करने से काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी इफिशिएंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी वर्किंग को लेकर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स को लेकर होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो वहां पर इम्प्रूव होता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा प्रमोट होता है, ठीक है। जितना ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल होगा उतना ही कम आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो बहुत सारी चीजों का फायदा मिलता है। सबसे बड़ी चीज है एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, वर्क फोर्स का पूरा प्रेजेंस है या वर्क फोर्स की जो इफिशियंसी है या उसका जो आउटपुट है वो भी वहां से बढ़ता है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथों से जब कंट्रोल जाता है, लेकिन कुछ नुकसान भी है कुछ फायदे भी है, दोनों मिक्सअप आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का आपको एटॉमिक एनर्जी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन है नहीं, एटॉमिक एनर्जी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यही लिखा हुआ देखो, पॉलिसी ने यही बोला है कि आपके जो पॉलिसी ने प्रोमिस किया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो एग्जिट करेगी जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है कुछ सेक्टर्स को छोड़कर, ठीक है, जहां पर बेयर मिनिमम प्रेजेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे एटॉमिक एनर्जी के अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बट अभी तक ये गवर्नमेंट कंट्रोल है। मैंने आप लोगों को बोला जहां पर 51% से ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में है वो प्राइवेटाइजेशन में नहीं मानी जाती, वो गवर्नमेंट हाथों में ही मानी जाती है अगर 51% शेयर्स आपके गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद हेल्दी इंडिया को लेकर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बोला था कि January 1, 2022 को, ठीक है, इंडिया विल जॉइन अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ट्रांसफर टू 2% बाय मास ऑफ टोटल ऑयल स्पेड्स। आप लोगों ने काफी सारे कैंपेन सुने होंगे जैसे कि फिट इंडिया के बारे में अपन ने बात किया था, ठीक है, तो आपने देखा होगा ट्रांसफेट एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर देखा जाता है आपका जो ऑयल है, ठीक है। मैंने एक चीज भी आप लोगों को बताई थी कि हेल्दी इंडिया को प्रमोट करने के लिए 3 एलिमेंट आपका नमक आपका शक्कर और बेसिकली आपका, ठीक है, ऑयल, ठीक है, मतलब आपका तेल, ठीक है, तो ऑयल हो गया आपका, सुगर हो गया आपका और आपका सोल्ट हो गया, इन तीनों को रिड्यूस करने की अपन ने बात बोली थी, लेकिन ट्रांसफेट को लेकर जो इश्यू उठता है वो ऑयल को लेकर उठता है, ठीक है, जो हमारी बेसिकली हेल्थ के लिए काफी डेंजरस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है, ठीक है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स विदाउट एनी चेंज इन द टेस्ट और कॉस्ट ऑफ फूड आर नाउ अवेलेबल। तो यहाँ पर पहली चीज तो बात की जा रही है किस तरह से ट्रांसफेट को हमें कम से कम करना है, ठीक है, और ऐसा बोला गया है कि काफी सारे ऐसे सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टेस्ट भी वैसा ही रखते हैं, उसकी कॉस्ट भी लगभग वही रहेगी, लेकिन उसमें से ट्रांसफेट हटा लिया जाएगा। ट्रांसफेट जो बेसिकली हमारी हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रोमिनेंट फैक्टर देखने को मिलेगा, तो January 1, 2022 से, मतलब नेक्स्ट ईयर, इंडिया बेसिकली उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफेट को 2% के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 2% के अंदर अंदर ट्रांसफेट लेवल को रखेंगे, सभी इंडस्ट्रीज को, सभी फैक्ट्रीज को, सबको गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, तो इंडिया वुड दस बी अचीविंग द WHO टारगेट ए ईयर इन द एडवांस। ठीक है, आप देखोगे मिड 2016 में ट्रांसफेट लिमिट को हमने 10% से कम करके 5% कर दिया था, ठीक है, और आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी जिसको लेकर UPSC काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, जिसको फसाई के नाम से जाना जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने बेसिकली
3% ट्रांसफर 2021 के लिए किया है और अगले साल ये ट्रांसफर अपन कितना कर देंगे, 2% कर देंगे। तो धीरे धीरे भारत ट्रांसफेट को यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा है। तो भारत का टारगेट है कि जितने भी आपके फूड आइटम्स है उसमें जो फेट कंटेंट आपको देखने को मिलता है उसको 2% से कम कम के लिमिट के अंदर रखा जाए। फेट का या ऑयल का जो कंटेंट देखने को मिलता है उसको 2% से अंदर अंदर रखा जाए, ताकि बेसिकली ट्रांसफेट के माध्यम से जो हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं उसको यहाँ पर कम किया जाए। इसको अपन बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। आपने नाम सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो हमारी बेसिकली बॉडी के अंदर जमा होगा और बेसिकली हमें हेल्थ डिजीजेस काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, हार्ट डिजीजेस भी काफी सारी होती है यहाँ पर, ठीक है। यस डेफिनेटली यहाँ पर एक हैशटैग भी हमने यूज किया था, आज से थोड़ा कम, आज से थोड़ा कम। बेसिकली अब आपको क्या करना है, आज से थोड़ा कम शुगर का इंटेक कम करना है, आपको ऑयल का इंटेक कम करना है, आपको शुगर का, आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इस आर्टिकल में बोला गया है कि ट्रांसफेट को हमें कट करना है। तो तीन टारगेट्स आप याद रखिएगा, 2021 में हम लिमिट 3% तक लेके जाएंगे, 2022 में 2% के अंदर अंदर जो भी कोई भी फूड प्रोडक्ट है या फूड है उसके अंदर जो फेट और ऑयल का परसेंटेज है वो 2% से कम कम हमें रखना है। और आप देखोगे 2004 के अंदर डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बना था जिसने जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड आइटम्स है उसके अंदर ट्रांसफेट की लिमिट को 2% कर दिया था। ध्यान रखना, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। डेनमार्क ने 2004 में ऐसा कर दिया था, पहली ऐसी कंट्री था जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, इवन आपके बिस्किट जो भी कुछ बनेगा जिसमें भी आपका फेट या ऑयल कंटेंट देखने को मिलेगा 2% से ज्यादा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भारत 2022 में यहाँ तक पहुंचने वाला है, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, और मैंने आप लोगों को बता दिया इससे होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियो मतलब जो हार्ट को लेकर बहुत सारे डिजीजेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, या हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स भी यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। सो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, इस आर्टिकल में सारी चीजें आई थिंक क्लियर होगी। उसके बाद उत्तराखंड को लेकर जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो एक और आर्टिकल मैंने यहाँ पर द हिंदू के अंदर देखा, तो यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी चीज यही बोली, उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लगातार जितने भी एविडेंसेस इतनी सारी रिपोर्ट्स के द्वारा, इतनी सारी कमिटीज के द्वारा बताए गए कि उत्तराखंड की जो पूरे की पूरी ट्रेजेक्ट्री है, जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसकी वजह से ये रीजन काफी वल्नरेबल हो गया है, और इस रीजन को डिजास्टर प्रोन रीजन बोला जा सकता है, जहां पर डिजास्टर आने की संभावनाएं मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर राइटर क्या लिखती है, राइटर कविता उपाध्याय ने लिखा है, इन 2018 वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द विलेजेस नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर इन नीति वैली, नीति वैली आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाला रीजन। तो उन्होंने कहानी बताई कि जब ये रेनी विलेज के आसपास रुकी, ठीक है, जो बर्थ प्लेस आपको देखने को मिलेगा चिपको मूवमेंट, ठीक है, आप लोगों को पता है चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ठीक है, सब लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है। ध्यान रखना बहुत सारे रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से। एक स्टोरी फॉर्म में इन्होंने बताया कि 2018 में जब वो एक रेनी विलेज से निकली जहां पर चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, या चिपको आंदोलन का ओरिजिन जहां पर देखने को मिला था उत्तराखंड के अंदर, वो रेनी विलेज था, ठीक है। जब बेसिकली ये रेनी विलेज के रास्ते से गुजरी, ठीक है, द वे टू रेनी वॉज डोटेड विद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दैट वर मेड बाय कॉन्ट्रोवर्सी। तो उस रेनी विलेज के आसपास काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जिनको लेकर काफी विवाद चल रहे थे, ठीक है, विलेजर्स लगातार कंप्लेन कर रहे थे कि इस रीजन के अंदर नॉर्म्स को तो ताक पर रख दिया गया है, नॉर्म्स को कोई फॉलो नहीं करता जितने भी, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए सारे के सारे नीति नियम है। तो वहां के गांव वासियों ने लगातार उसको लेकर कंसर्न उठाए थे कि सारे के सारे नियमों को ताक पर रखकर धड़ाधड़ से यहाँ पर काम किया जा रहा है, हाइड्रो पावर जो डेवलपर्स हो रहे हैं वो बेसिकली फोर्सफुली इन सभी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर चला रहे हैं और सारे के सारे नियमों को इन्होंने उल्लंघन कर दिया है। तो ये चीज उन्होंने वहां पर देखी थी 2018 के अंदर रेनी विलेज के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि यही दो पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे जो रेनी विलेज के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर डैमेज आपको देखने को मिले, ठीक है। आज आप 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 175 पीपल यहाँ पर मिसिंग हैं। जो दोनों पावर प्रोजेक्ट जो काफी चर्चा में है, मैंने आप लोगों को बताया था ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा बेसिकली आपका जो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ही वही पावर प्रोजेक्ट है जो इस रीजन के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर ये घटनाएं आप लोगों को देखने को मिली। तो इस राइटर ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से बताया कि किस तरह से यहाँ पर यहाँ की अथॉरिटी के सामने इन सारी चीजों को किया जा रहा था। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन इन्होंने बताया
कि यहाँ पर इतना ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ, इतने ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई, जिससे यहाँ की जो जमीन है वो काफी वल्नरेबल हो गई, मिट्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर कम हो गया। इलीगल माइनिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी सारी की सारी साइट्स पर, जितने भी ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर डैम्स के साथ साथ, डैम्स तो हुए हुए, डैम्स के अलावा डिफोरेस्टेशन हुआ डैम्स की वजह से, इलीगल माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक कमेटी का नाम भी इन्होंने बताया, एक चोपड़ा कमेटी बनी थी जिन्होंने 2014 में रिपोर्ट दी थी, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से आपके बांध डायरेक्टली यहाँ पर फ्लड लाने का सबसे बड़ा रीजन बनते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया इन्होंने चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट का, ठीक है। चोपड़ा समिति की रिपोर्ट आई थी 2014 में, जो उन्होंने क्लियरिटी दी थी कि डैम्स किस प्रकार से यहाँ पर फ्लड्स लाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2013 में यहाँ पर आप देखोगे ये जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, ये कमेटी बनाई गई थी 2013 के अंदर, जहां पर इनका काम था कि यहाँ पर जितने भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, केदारनाथ वैली है, उसका अध्ययन करना था, ठीक है। तो 10 मेंबर कमेटी थी जिसने अपने रिकमेंडेशन दी थी, बट इसको यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। यस, माया शंकर जी ने बिल्कुल सही बोला, अमृता देवी बिश्नोई का नाम बताया आपने, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बताया, ये जुड़ा हुआ है आपके चिपको आंदोलन से। यस डेफिनेटली, बिल्कुल आपने सही बोला, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग इन रीजंस को नोट कर लीजिए जो मैंने आप लोगों को बताया, एक छोटी सी स्टोरी जहां पर आप रेफरेंस दे सकते हैं, रेनी विलेज का जो चिपको आंदोलन का बर्थ प्लेस था, आप रेफरेंस दे सकते हैं कि जो पूरा का पूरा रीजन है किस तरह से यहाँ पर लगातार वहां की लोकल कम्युनिटी के प्रोटेस्ट के बावजूद भी नियमों को फॉलो नहीं किया गया, और ये जो दोनों पावर प्रोजेक्ट है आज जो डिजास्टर का कारण बने हैं, ये बेसिकली चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट ने पहले इस चीज को बता दिया था 2014 के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर एक कमेटी बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। एक और मैं छोटा सा केस आप लोगों को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें तो थी, उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे इस रिपोर्ट के बाद भी यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, और आज जो क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, हिमालयाज बेसिकली थिनिंग होते जा रहे हैं, हिमालय का जो स्नो कवर है वो लगातार पिघलता जा रहा है, तो हिमालय की जो लेयर है, बर्फ की लेयर है, वो लगातार पतली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर देखोगे, जितनी भी ग्लेशियर लेक्स है, ग्लेशियर लेक जो बेसिकली किसके माध्यम से बनी हुई है, आपके बर्फ के माध्यम से या ग्लेशियर्स के माध्यम से, लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिससे आपके बांध का वाटर लेवल बढ़ेगा और नीचे के सारे एरिया कैसे हो जाएंगे, फ्लडेड हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रीजन है, अगर अर्थक्वेक आप जोन देखोगे, अलग अलग अर्थक्वेक के जोन है, तो ये जो उत्तराखंड वाला पार्ट है सेस्मिक जोन 4 में लाई करता है, ठीक है, और कुछ पार्ट इसका सेस्मिक जोन 5 में लाई करता है, जहां पर सीवियर इंटेंसिटी देखने को मिलेगी अर्थक्वेक की। तो आप ये भी रेफरेंस दे सकते हो, ये हाई रिस्क रीजन है अर्थक्वेक के जोन्स के अकॉर्डिंग, अर्थक्वेक के जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5 में लाई करता है, जो वेरी सीवियर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जरूरत है, तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कल ही कि सर इससे क्वेश्चन मेंस में आने वाला है तो हम आंसर कैसे करेंगे, आप लोगों को एक बेहतरीन आंसर मैंने दे दिया है, जहां पर आपके मेंस के आंसर में रेफरेंस आएगा ये वाला पार्ट। पहला आप रेफरेंस दोगे इस रेनी विलेज का, जो चिपको आइकोनिक चिपको मूवमेंट का बर्थ प्लेस था, जहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया इन सभी पावर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में, जो रूल्स को पूरी तरह से फ्लाउट कर रहे थे। आप रेफरेंस दोगे यहाँ पर होने वाली इलीगल माइनिंग का, आप रेफरेंस दोगे चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट का, 2014 की रिपोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर बनाई गई थी। आप रेफरेंस दोगे लगातार हिमालय यहाँ पर थिनिंग होते जा रहे हैं, बर्फ लगातार पिघलती जा रही है, ग्लेशियर लेक्स बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से लगातार बेसिकली यहाँ पर फ्लड का रीजन बनती जा रही है। आप रेफरेंस दोगे उत्तराखंड का जो रीजन है सेस्मिक जोन 4 और सेस्मिक जोन 5 में लाई करता है, जो सीवियर इंटेंसिटी वाला रीजन है, आपको रेफरेंस देना है दोनों के दोनों पावर प्रोजेक्ट का, जहां पर ये घटनाएं देखने को मिली। आई थिंक एक बहुत अच्छा आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो जितनी चीजें मैंने बोली है इनके माध्यम से एक अच्छा आंसर यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है, अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड को लेकर। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे एक पोस्को एक्ट को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में है, आपने देखा होगा बॉम्बे हाई कोर्ट का जो केस आया था, उसके बाद पोस्को एक्ट को लेकर काफी सारी चर्चाएं हैं। तो ये हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है द लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल असोल्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, सब लोगों ने इस एक्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, ठीक है। ये एक्ट जो बनाया गया था 2012 में बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो क्या है, 18 साल से कम एज वाले को यहाँ पर चाइल्ड की कैटेगरी में कंसिडर किया गया है,
ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, मैं सारी चीजें जो बता रहा हूँ। पॉस्को एक्ट जो 2012 में बना था, इसमें चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या थी, 18 साल से कम बच्चे, ठीक है, इनको चिल्ड्रन कैटेगरी में लिया गया था, इनको सेक्सुअल असोल्ट से बचाने के लिए ये एक्ट डिजाइन किया गया था। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ द एक्ट, इसका जो रीजन था, ठीक है, आपने देखा था इतने सारे सेक्सुअल ऑफेंसेज आपको चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उनको पिनलाइज करने के लिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाया गया था। और ये कानून जो आप लोग देखोगे, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपके आपके पास, एक यूएन का कन्वेंशन बना हुआ है, काफी इम्पोर्टेंट है, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो भारत इसका सिग्नेटरी है, भारत ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, ये आपका जो आपका यूएन कन्वेंशन बना हुआ है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, भारत ने इसको 1992 के अंदर रेटिफाई किया था, ठीक है, 1992 के भारत भारत इसको रेटिफाई कर चुका है, मतलब भारत इसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जो कॉन्ट्रोवर्सी में है, हाँ उसी को इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर ये बोली गई है यूएन कन्वेंशन को भारत ने 1992 में रेटिफाई किया था, ठीक है, उसके बाद बेसिकली आप देखोगे भारत जो इस जिसके माध्यम से जो सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन है या सेक्सुअल अब्यूज है, ठीक है, उसको हीनियस क्राइम के रूप में एड्रेस किया जाता है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल लिया गया है बॉम्बे जजमेंट का, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इट वॉज इन दिस बैकड्रॉप दैट द रिसेंट जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, नाम था आपका सतीश रागड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें अभी ये वर्डिक्ट दिया गया था, इन विच द एक्यूज्ड वॉज एक्विटेड अंडर द पॉस्को एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, जो किस नाम से था, सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नाम लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर इस जजमेंट का, ठीक है, क्योंकि ये जजमेंट पॉस्को एक्ट से रिलेटेड है। इस जजमेंट के अंदर जो आपका एक्यूज्ड था या जो अभियुक्त था, उसको पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने इस व्यक्ति को रिहा कर दिया, इसको एक्विट कर दिया, ठीक है, क्यों, इनका ग्राउंड क्या था, यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो विक्टिम के साथ जो सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, ठीक है, उसमें कोई स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, जो असोल्ट हुआ वो बेसिकली उसने कपड़े पहने हुए थे, तो बेसिकली यहाँ पर क्लोथ्स के माध्यम से असोल्ट हुआ है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इस जजमेंट ने एक बहुत ही डेंजरियस प्रेसिडेंट हमारे सामने रखा, जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन इस जजमेंट ने एक बहुत नेगेटिव इमेज रखी कि सेक्सुअल असोल्ट तभी कंसिडर किया जाएगा कि जब स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होगा, यदि कपड़ों के माध्यम से कॉन्टेक्ट है तो उसको सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, और इस अभियुक्त को रिहा कर दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि यहाँ पर वर्डिक्ट देने वाली भी वुमन जज ही थी, सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखने को मिलती है कि जेंडर सेंसिटिविटी पता नहीं कहाँ पर चली गई थी, और यहाँ पर वर्डिक्ट देने वाली भी एक वुमन जज थी, ठीक है, तो उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो उस रिजल्ट को तो बेसिकली नलीफाई कर ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, जो पॉस्को एक्ट का सेक्शन 7 है, ठीक है, वो बोलता है कि वो एवर विद सेक्सुअल इंटेंट टचेज द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी फॉर्म में, ठीक है, चाहे आपका इसमें ऐसा स्किन टू स्किन कुछ बात नहीं की गई, आपका सेक्सुअल असोल्ट किसी भी फॉर्म में हो, उसको सेक्शन 7 ऑफ पॉस्को एक्ट के थ्रू बेसिकली असोल्ट माना जाएगा। यहाँ पर सेक्शन एक्ट में 8 में बोला गया है, एक्ट प्रोवाइड्स मिनिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स, मिनिमम पनिशमेंट 3 साल है सेक्सुअल असोल्ट के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, उसने 1 साल की पेनल्टी दी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा पॉस्को एक्ट है, उसने 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया है किसी भी टाइप के सेक्सुअल असोल्ट के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर आईपीसी के अंदर और पॉस्को एक्ट के अंदर भी डिफरेंसेस बताए गए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला आईपीसी के अकॉर्डिंग, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग तो मिनिमम 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और दूसरा पॉस्को एक्ट के तहत वही इम्प्रिजनमेंट आपको 3 साल का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा ये है, अब जब आप पढ़ोगे तो बहुत बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ के निकलने में आएगी। एक और जजमेंट का एग्जाम्पल देता हूँ, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जजमेंट को लेकर भी काफी सब बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशाखा जजमेंट जो 2013 का जजमेंट था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट देखा जाता है उसको लेकर गाइडलाइन जारी की थी, ठीक है, इसका एक्ट बन चुका है अभी तो, लेकिन सॉरी 1997 में ये गाइडलाइन जारी की थी, 2013 में ये एक्ट बना था, ठीक है, 1997 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमन के साथ वर्क प्लेस पर देखा जाता है उसको लेकर गाइडलाइन जारी की थी, विशाखा गाइडलाइंस के नाम से काफी फेमस है, ठीक है, और काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, तो एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी।
तो यहाँ पर पॉस्को एक्ट को लेकर काफी सारे यहाँ पर फ्लोज बताए गए थे, काफी सारे, क्योंकि भारत में एक्ट इतने सारे हैं तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है। आईपीसी वर्सेस पॉस्को में यहाँ पर सारी चीजें क्लियर की गई, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेन मेन थीम मैंने आप लोगों को सारी बता दी है कि यहाँ पर किस प्रकार से इस पॉस्को एक्ट के माध्यम से एडिशनल प्रोटेक्शन दी जाए, उस पर बेसिकली हमें वर्क करना होगा, तो यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा, थोड़ी अपना डिटेल में ज्यादा हो गया। और एक और महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो सभी लोगों को डर था। आप देखो WHO बोल रहा है कि वायरस बेसिकली जो चाइना की लैब है, वुहान लैब है, वहां से लीक किया गया था, ठीक है। आप देखो, वायरस अनलाइकली टू हैव लीक्ड फ्रॉम लैब, नो इंडिकेशन ऑफ सार्स सीओवी टू स्प्रेड अमंग पीपल इन वुहान प्रायर टू दिसंबर 2019, ठीक है। दिसंबर 2019 से पहले वहां पर कोई COVID-19 का केस नहीं था। तो WHO साइंटिस्ट का जो पैनल अभी चाइना गया था स्टडी करने के लिए, तो देखो, द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर COVID-19 वॉज अनलाइकली टू हैव लीक्ड फ्रॉम ए लेबोरेटरी इन वुहान, ठीक है। एंड द एविडेंस पॉइंटेड टू नेचुरल ओरिजिन्स अकॉर्डिंग टू WHO एंड चाइना जॉइंट एक्सपर्ट टीम दैट कंक्लूडेड अ विजिट टू वुहान वेयर द पेंडेमिक बिगेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी खबरें देखने को मिल रही है, तो काफी बड़ा बड़ी चीज है। और पहले भी काफी USA ने तो काफी बार चाइना पर एलिगेशन लगाए हैं, और उन्होंने तो नाम भी दिया था, ठीक है, चाइना स्प्रेडेड वायरस ऐसे कुछ नाम दिया था, ठीक है, USA ने COVID-19 वायरस को। तो टीम ने कंक्लूड किया है कि देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ सार्स सीओवी टू हैविंग स्प्रेड अमंग द पॉपुलेशन देयर प्रायर टू दिसंबर 19, मतलब दिसंबर 19 से पहले ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाए गए कि COVID-19 के ओरिजिन को लेकर, ठीक है। व्हेन वुहान हॉस्पिटल फर्स्ट बिगेन रिपोर्टिंग ए निमोनिया आउटब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्टडी के और भी सारे यहाँ पर रीजंस आएंगे कि क्या क्या स्टडी में उन्होंने रिलीज किया है, बट ये काफी बड़ी चीज है। सर न्यूज़पेपर का कल का PDF, ओके, कल का PDF अभी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, कल का PDF अभी आप लोगों को मिल जाएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस को लेकर बहुत बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोली है, और ये बेसिकली भारत अफगानिस्तान के रिलेशंस को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। उन्होंने क्लियर किया है, कोई भी बाह्य शक्ति भारत पाकिस्तान की मित्रता पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो कल बेसिकली जो PM नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रेफरेंस रहा भारत अफगानिस्तान रिलेशंस को लेकर, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस को लेकर। आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान के जो एडवाइजर थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब, उनकी भारत विजिट भी हुई थी। अफगान पीस प्रोसेस को लेकर हमने बोला था कि ये बेसिकली अफगान लेड होनी चाहिए, अफगान ओन्ड होनी चाहिए, अफगान कंट्रोल्ड होनी चाहिए। जो अफगानिस्तान में अभी तालिबान को लेकर जो भी डील चल रही थी, वहां पर भारत अफगानिस्तान का पूरी तरह से समर्थक है कि जो भी प्रोसेस होगी नेतृत्व अफगान करेगा, अफगान के नियंत्रण में होगा, अफगान ही सारा का सारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहां पर रहेगा। और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का भी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जो बेसिकली अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण रोल यहां पर रखती है। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस भी आप दे सकते हो। यहां पर रितिका ने कुछ बोला है सर, बट इस तरह पॉस्को एक्ट का डाउनफ्लो होगा, डेफिनेटली पॉस्को एक्ट का डाउनफ्लो होगा, तभी तो उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। जो बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था उसने पॉस्को एक्ट का डाउनफ्लो ही तो किया, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटाफट से स्टे लगा दिया। अगर आप सोचो कि पॉस्को एक्ट को अगर बॉम्बे हाईकोर्ट बोल देती कि स्किन टू स्किन टच में ही आपका सेक्शुअल असोल्ट माना जाएगा, तो फिर पॉस्को एक्ट बचा ही क्या, पॉस्को एक्ट का मीनिंग ही क्या बचा, ठीक है। अगर बेसिकली पॉस्को एक्ट ने बोला कि किसी भी प्रकार का सेक्शुअल असोल्ट है, अलग अलग टाइप के सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें इतना सीवियर पनिशमेंट जब दिया गया है तो उसका मतलब ही क्या रहेगा। तो उस बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्डिक्ट ने पॉस्को एक्ट को डाइल्यूट कर दिया था, मैंने पढ़ाया भी था, अखबारों में स्टेटमेंट आया था कि इस वर्डिक्ट ने पॉस्को एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस स्टे लगाया ताकि पॉस्को एक्ट बना रहे। अब मेन दिक्कत है पॉस्को एक्ट और IPC में डिफरेंसेस, तो उसको भी बेसिकली खत्म किया जाए ताकि पॉस्को एक्ट एक पावरफुल एक्ट बने, ताकि इन सभी सेक्सुअल ऑफेंसेज जो चिल्ड्रन में अंडर 18 वालों में देखे जाते हैं, इनको रोका जाए, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, बेसिकली सुमित कुमार ने बिल्कुल सही बताया, इसको चाइनीज वायरस नाम दिया था आपके USA ने, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। और ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर भारत और पाकिस्तान के डेवलपमेंट रिलेशंस को हार्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये रीजन होगा, ठीक है, इस रीजन को भारत पूरी तरह से टेरर फ्री करने के लिए, एक्सट्रीमिज्म से फ्री करने के लिए कमिटेड है। तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उन सभी को
सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करना होगा। और बेसिकली यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज जो इंटरफेरेंस यहाँ पर कर रही है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया था, तो उसको यहाँ पर अपने आप को पूरा का पूरा स्टेबल करने के लिए यहाँ पर काम करना होगा। तो यह सारी की सारी चीजें आप लोग देखोगे। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। द टू लीडर्स वर स्पीकिंग एट ए वर्चुअल मीटिंग, दोनों की वर्चुअल मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हुई थी यहाँ पर एक ओल्ड डेम, ठीक है, अभी तक तो आपने इंडो अफगान फ्रेंडशिप डेम देखा होगा, अब एक नया एग्जाम्पल आप लिखेंगे अपने एग्जाम में। द टू लीडर्स वर स्पीकिंग एट ए वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज टू साइन एन MOU, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ललनदार डैम, ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए सब लोग अपनी कॉपी के अंदर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ललनदार डैम, जो बेसिकली इंडिया अफगानिस्तान में डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये किसके लिए डेवलप होगा? ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ये हेल्प करेगा जो अब काबुल सिटी है अफगानिस्तान की, उसके ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट को लेकर, उसको पीने के पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने को लेकर ये काम यहाँ पर करेगा। तो इसका रेफरेंस आप दोगे अभी कल ही की मीटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ पर बोले सर सेवन क्या है? सेवन तो मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है। सेवन आपने किससे रिलेटेड पूछा? आई डोंट नो सेवन आपने कहाँ से पूछा है, ठीक है। सेवन मुझे तो कुछ दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ सेक्शन सेवन है, सेक्शन सेवन मतलब होता है कि जब भी, जैसे आपका संविधान है, संविधान के अंदर इतने सारे पार्ट्स बने हुए हैं, इतनी सारी अनुसूचियां बनी हुई है, वैसे ही उस एक्ट के अंदर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो सेक्शन सेवन के अंदर बोला है, ठीक है। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, तो उस एक्ट का सेक्शन सेवन के बारे में मैंने यहाँ पर जिक्र किया था, तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा। अब जो मैं पढ़ा रहा उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इन एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपके काफी काम आएंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। यह सेक्शन सेवन आप लोगों को बोला, मीनाक्षी ने बोला, कोलेजियम ने यूएस जज का परमानेंट स्टेटस भी होल्ड कर दिया और वापस डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। ओके ओके उसके यस डेफिनेटली यस, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो जज थी उसको लेकर भी एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। यस वो आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। यस डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए, इस प्रोजेक्ट का नाम है आपका ललनदार डैम प्रोजेक्ट, जिसको भारत डेवलप करेगा अफगानिस्तान में, और ये काबुल सिटी की ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स को लेकर फुलफिल करेगा। उसके अलावा मोदी जी ने यहाँ पर दूसरी चीज बोली, जो यहाँ पर लगातार अफगानिस्तान में वायलेंस के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, लगातार जो इनोसेंट सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है, लगातार जो जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने काफी सारे कंसर्न उठाए कि इस प्रकार के सभी हॉस्टिलिटीज को एंड करना चाहिए और अफगान को इंश्योर करना होगा कि हर एक ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, जो पूरा का पूरा रीजन है भारत उसके साथ खड़ा है, ठीक है, और भारत हर समय उसका सपोर्ट यहाँ पर करेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इनके, कल मैं आप लोगों को स्लाइड्स भी दे दूंगा भारत अफगानिस्तान रिलेशंस को लेकर। और ध्यान रखना भारत एक काफी बड़ा स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान को लेकर, और भारत ने लगभग कुछ सालों के अंदर $3 बिलियन, किसको भी अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि कुछ सालों के अंदर भारत ने अफगानिस्तान को $3 बिलियन का असिस्टेंस दिया है। इतनी सारी सहायता भारत ने कुछ सालों के अंदर अफगानिस्तान को यहाँ पर दी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया अफगान रिलेशंस को लेकर कल भी मैंने आप लोगों को मेरे ऑप्शनल की क्लास में पढ़ाया था, तो इन सब चीजों को अपडेट कर लीजिए। पहली चीज अपडेट आप लोगों को करनी है यहाँ पर कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ बेसिकली यहाँ पर जो चर्चा हुई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कोई भी कंट्री यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगी और भारत का अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट है। भारत अफगानिस्तान के किसी भी बाह्य शक्ति भारत अफगानिस्तान के फ्रेंडशिप को प्रभावित नहीं कर सकती। भारत ने कल एक MOU साइन किया ललनदार डैम को लेकर, जो हेल्प करेगा काबुल सिटी की ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स को लेकर। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने कंसर्न उठाए, जो जो आपके सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है, एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है, ये सभी घटनाएं बंद होनी चाहिए और भारत पूरी की पूरी अफगानिस्तान की जनता के सपोर्ट में खड़ा है। साथ में एक और चीज आप देखोगे, जो तालिबान के साथ बेसिकली जो पीस डील थी उसको लेकर भी यहाँ पर क्लियर रेफरेंस दिया कि यहाँ पर टेररिज्म को पूरी तरह से, या जितने भी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है जो इस रीजन की स्टेबिलिटी को थ्रेटन करती है, उसको एंड किया जाएगा, उसके लिए भारत अफगानिस्तान का समर्थन करेगा। $3 बिलियन का असिस्टेंस भारत ने अफगानिस्तान को दिया है, ये भी आप अपने आंसर्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट में अपडेट कर लीजिए ताकि भारत अफगानिस्तान को लेकर क्वेश्चन आएगा तो आप इन सबको डाल सकते हैं इस प्रोजेक्ट। पहले पुराना तो डालते ही डालते थे इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम, लेकिन उसके अलावा ये नए भी आप लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। $3 बिलियन का असिस्टेंस ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे गुड ऑग्रीज, ये भी एक आर्टिकल था आप लोगों का, ठीक है। यस
ये आपका फार्मर्स को लेकर एक आर्टिकल देखने को मिला था। यहाँ पर एक चीज बोला गया है कि वेदर इनेबल्ड बम्पर प्रोडक्शन इन इंडिया एंड ऑनगोइंग ग्लोबल प्राइस रिकवरी कुड प्रोवाइड ओपनिंग फॉर रिजोल्विंग फार्म क्राइसिस। ठीक है, तो आप देखोगे एक तरह से फार्मर का प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सब लोग ध्यान देंगे। ओके, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है आज, ठीक है, तो मैं विद इन 4 मिनट्स में इसको खत्म करता हूँ, लास्ट आर्टिकल है आज का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझाई ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी जनरेट हो। यहाँ पर आप देखोगे जो ये फार्म क्राइसिस को लेकर बात चल रही थी, तो एक तरफ फार्मर का प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसके रिजोल्यूशन के कोई अभी आसार देखने को नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो आपका बम्पर हार्वेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2019-20 में, और 2020-21 में भी मोस्ट लाइकली वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगातार 2 सालों में हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा देखने को मिला है, मानसून अच्छा होने की वजह से विंटर काल एक्सटेंड हुआ। ध्यान रखना, विंटर जितना ज्यादा लंबा चलेगा हमारी रबी की फसल के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। विंटर काल जितना लंबा होगा, अभी आप देखोगे अदरवाइज सर्दियां जनवरी तक एंड हो जाती है, बट अभी फरवरी भी बेसिकली खत्म होने जा रहा है, बट फिर भी सर्दियां काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सर्दियां जितनी एक्सटेंड होगी उतना फसलों के लिए फायदा होगा, एक्सटेंडेड वेदर और गुड मानसून, जिसकी वजह से 19-20 और 20-21 के अंदर अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। और इंडिया हैज बीन फॉर्चुनेट, ठीक है, अनलाइक अदर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है। भारत में तो ड्राई क्लाइमेट ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में यहाँ पर बोला गया है लानीना वाला ईयर, ये बताया जा रहा है कि लानीना की वजह से, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एल नीनो और लानीना, ठीक है। लानीना भारत के लिए अच्छा है, लानीना जब आता है तो भारत के लिए अच्छा मानसून भी आता है और विंटर सीजन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। पीडीएफ अभी भेज दीजिए सर, आज और कल दोनों का, ठीक है, पीडीएफ अभी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैं आई थिंक भूल गया हूँ, अदरवाइज मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बट द वेदर कंडीशंस फेवरेबल रही भारत के लिए, लो टेम्परेचर होने की वजह से, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल्स भी अच्छा से रिचार्ज हो गया बेसिकली क्योंकि बारिश अच्छी हो गई, और अबंडेंट मानसून रेन्स मैंने आप लोगों को बता दी, जिससे आपका रबी क्रॉप स्पेशली वीट का प्रोडक्शन, मस्टर्ड का प्रोडक्शन, ठीक है, चिक पी, रेड लेंटिल गई है, जिसका जो हार्वेस्ट अगले महीने तक सभी फसलों की कटाई हो जाएगी। आप लोगों को पता है रबी सीजन की कटाई आपकी फरवरी एंड से होना स्टार्ट हो जाती है, मार्च तक तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है, 2019-20 में भी प्रोडक्शन अच्छा था, 2020-21 में भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा है, तो ये एक अच्छा खबर देखने को मिल रही है। एक तरफ क्राइसिस तो रिजोल्व नहीं हो रहा, अभी तक फार्मर्स का चल रहा है, बट ये अच्छी खबर बताई गई है। तो इसको लिंकअप किया गया है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एफएओ के नाम से जानते हो, ठीक है, उसकी जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स होती है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, ये निकालता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा निकाली जाती है, जिसकी अभी अपने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, ठीक है, तो ये आप लोग बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, चलिए बाकी अपन पार्ट कल डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो मेन चीज बता दी है कि बेसिकली भारत के लिए अच्छा है लगातार 2 सालों से फूड प्रोडक्शन बढ़ना। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, जो काफी ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पर फूड प्रोडक्शन काफी अच्छा बढ़ेगा। तो फिर नीचे बेसिकली सभी कंट्री से लिंक किया गया है कि कौन सी कंट्री में क्या क्या इम्पेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग फसलों को लेकर, ठीक है। तो चलिए अभी तो अपन यहीं पर एंड करते हैं, एक बार मैं फटाफट से आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ आज अपन ने क्या क्या सीखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फटाफट से आज सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी, बहुत सारी चीजें आज बची हुई है, सबसे पहले वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट से हमने शुरुआत की थी। सर बजट का प्रिंट भेज दीजिए हिंदी में जो आपने कल पढ़ाया था, कल वाला इकोनॉमिक सर्वे का भी मुझे भेजना है, बजट का मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ आप लोगों को, इकोनॉमिक सर्वे का मुझे भेजना है, और आज भी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास होगी वो मैं आप लोगों को सेंड करवा दूंगा। तो अब देखो पहली चीज अपन ने देखी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, जो 10 फरवरी आज ही बेसिकली स्टार्ट होगी, शाम से स्टार्ट हो जाएगी, 3 दिन का इवेंट है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तेरी के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, और ये इसकी थीम रहेगी सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर देखोगे, दूसरा पॉइंट अपन ने लिया था आरोग्य सेतु और कोविन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, अब आरोग्य सेतु पर सारा का सारा वैक्सीन का डेटा भी अवेलेबल रहेगा। तीसरी चीज, भारत के अंदर 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है और 52 रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टीज है, 8 में मैंने 8ों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी, ये 8 भारत की नेशनल पार्टीज है। उसके बाद डिजिटल पेमेंट, लगभग 5 सालों से लगातार डिजिटल पेमेंट में ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला, भीम जो कि एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। यूनियन बजट के 6 पिलर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, हेल्थ,
इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन और मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस। ठीक है, स्वामित्व स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो गांव वालों, जो रूरल इंडिया को अपनी संपत्ति का मालिक बनाएगी, प्रॉपर्टी कार्ड उनको इश्यू किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया विनिवेश के बारे में, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में, उसके अलावा किस प्रकार से भारतीय सरकार की जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो इस बजट में आप लोगों को देखने को मिली, तो भारत मैक्सिमम सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। ट्रांसफेट को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, अगले साल से भारत उस क्लब में शामिल हो जाएगा जो इंडस्ट्रियल फेट को 2% से अंदर अंदर रखेगा। अभी वर्तमान में भारत का 2021 का टारगेट 3% का है, 2022 का टारगेट भारत का 2% का है। ठीक है, ये टारगेट अपन ने देखे यहाँ पर। ठीक है, इसको लेकर बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया, डैम्स और डैमेजेस को लेकर उत्तराखंड के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को तैयार करवाया, एग्जाम्पल भी था, साथ में अर्थक्वेक का एग्जाम्पल था, इलीगल माइनिंग का एग्जाम्पल था, चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। पोस्को एक्ट को लेकर बहुत सारी चीजों पर चर्चा की, भारत यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का मेंबर है, 1992 में भारत ने इसको रेटिफाई किया था पोस्को एक्ट में, और अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर जो मैंने चीज बताई, पोस्को एक्ट के अंदर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में शामिल किया गया है, उसके लेकर उसको लेकर प्रोविजन यहाँ पर बनाए गए हैं। पोस्को एक्ट को लेकर और आईपीसी में भी काफी सारे डिफरेंसेज है, उसको लेकर भी अपन ने देखा। विसा का गाइडलाइंस के बारे में बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जारी की थी, सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि वायरस बेसिकली जो आपको देखने को मिला है अनलाइकली टू हैव लीक्ड फ्रॉम लैब। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने चर्चा की वायरस को लेकर। ठीक है, उसके बाद इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर अपन ने देखा, भारत हमेशा अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस का समर्थक रहा है, भारत हमेशा से बोलता रहा है कि अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस अफगानिस्तान के कंट्रोल में होनी चाहिए। दो बड़े बड़े एग्जाम्पल, ललनदार डैम बेसिकली भारत वहां पर बना रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया, काबुल सिटी को पीने के पानी की सप्लाई के लिए, उसके अलावा $3 बिलियन का असिस्टेंस भारत कुछ सालों में अफगानिस्तान को दे चुका है। गुड ऑग्रीज में अपन ने देखा कि भारत में एक अच्छी खबर देखने को मिली है, लगातार 2 सालों से बंपर प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन दूसरी दिक्कत अभी तक फार्मर्स का जो पूरा का पूरा क्राइसिस है, प्रोटेस्ट है, वो रिजोल्व नहीं हो पाया, इसको लेकर काफी सारे रीजंस मैंने आप लोगों को बताए, और भी काफी सारी चीजें थी आज पढ़ाने वाली, बट उनको मैं कल लूंगा। बहुत सारा न्यूज था आज इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट था, तो बाकी आर्टिकल अपन कल डिस्कस करेंगे। दिस इज माय रेफरल कोड, शाम को 7 बजे और 8:45 PM पर आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर, आपको अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, जहाँ पर मेरी प्रोफाइल अभिषेक कुमार जैन के नाम से अवेलेबल है, वहां पर जाकर सर्च कर लीजिएगा इस प्रोफाइल को, आपको मिल जाएगा। या आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहां भी आपको सारी की सारी PDFs वगैरह मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाइएगा अभिषेक जैनसर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, मेरी प्रोफाइल पिक मिल जाएगी, वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें रेफरल कोड को यूज कीजिए किसी भी कैटेगरी के लिए, आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक सारी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई, और सभी लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक करें। ठीक है, और अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, बट एक्टिविटी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज, थैंक यू।